चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस 2000 करोड़ हमेशा के लिए बंद। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकेंगे नोट। एक साथ अधिकतम 20,000 रुपए के नोट बदलवाए जा सकेंगे। जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। G7 से लेकर क्वाड तक दिखेगा भारत का जलवा। 3 देशों में 6 दिन तक 40 बैठकें और 2 दर्जन वैश्विक नेताओं से करेंगे मुलाकात। उज्ज्वला के बाद मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। आम लोगों को जल्द मिलेगी सस्ते दर पर इंडक्शन चूल्हा और प्रेशर कुकर की सौगात। सन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। हर लोकसभा में होगी एक बड़ी सभा। न्यूनतम 10,000 लोग जुटाने का टारगेट। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पाकिस्तान की हर साजिश से निपटने के लिए भारत तैयार। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत। 80 की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में नहीं मिले हेराफेरी के सबूत। सेबी करे आगे की जांच। पीएम मोदी पहुंचे जापान के हिरोशिमा। स्वागत के लिए सेरेटेन होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों की उमड़ी भीड़। देखे वीडियो। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। केवी विश्वनाथ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ली शपथ। विश्वनाथ 2030 में सीजेआई पद के दावेदार। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आदेश सुरक्षित। कोर्ट 27 मई को करेगा फैसला। जुलाई के दूसरे हफ्ते में चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा इसरो। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। फिल्म द केरला स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम। 2 हफ्ते में कमाई 170 करोड़ के पार पहुंची। फील्ड से हटेंगे मोटे पेट वाले हरियाणा पुलिस के कर्मचारी। तोंद घटाने पर ही मिलेगी थाना और चौकी में पोस्टिंग। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को दिया निर्देश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण टला। कार्बन डेटिंग के आदेश पर भी लगाई रोक। आगामी लोकसभा चुनाव में 7 आने से पहले ही बढ़ा मनमुटाव। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल और KCR को नहीं मिला न्योता। दुनिया के 10 ताकतवर देशों में शामिल हो सकता है भारत। G7 बनेगा G10। 3600 मूर्तियां पत्थरों पर बारीक नक्काशी के साथ दिख रहा है अब राम मंदिर। देखे तस्वीर। देश में 8 नए शहर बसाने की तैयारी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की थी सिफारिश। हिरोशिमा में पीएम मोदी से हो सकती है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मिलेंगे दोनों नेता। जेल से मनीष सिसोदिया ने भेजी चिट्ठी। लिखा, अगर पड़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। सीएम केजरीवाल ने की साझा। यूट्यूब पर अब एड्स नहीं होंगे। इसकी 15 की जगह 30 सेकेंड के आएंगे विज्ञापन। गूगल का नया नियम। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का किया था वादा। लोगों ने अभी से बिल भरने से किया इनकार। लुढ़कती ही जा रही अडानी ग्रुप का शेयर। 4 महीने में ही 83% टूटा। कंपनी को लगा बड़ा झटका। जिसके लिए सब कुर्बान कर दिया उसे 15 रुपए में बिकने वाला मेडल बता रहे ब्रजभूषण का वायरल वीडियो शेयर कर बोली महिला पहलवान साक्षी मलिक। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 1,000 रुपए का कटा चालान। पटना में सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हुई कार्रवाई। चक्रवात मोखा से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 145। म्यांमार में 1.85 लाख से अधिक इमारतों को भारी नुकसान। वैष्णो देवी में लागू होगा काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल। भीड़ प्रबंधन और फूड कोर्ट की भी मिलेगी सुविधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जाएंगे कर्नाटक। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। अब ट्विटर बन गया यूट्यूब। यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं पूरी मूवी। CEO एलन मस्क ने बताया वीडियो डालकर पैसा कमाने का नुस्खा। केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बड़े अधिकारियों की करेगी भर्ती। लेटरल एंट्री के तहत कई विभागों में होगी नियुक्तियां। मोबाइल ऐप बताएगा सड़कों के गड्ढे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पेज रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की भविष्यवाणी। कहा 2024 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। 100 परमानेंट गारंटी देता हूं। विपक्षी एकता में फिराई दरार। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 35 छात्र हुए बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दाल में मिली छिपकली। केजरीवाल सरकार ने दिया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक।
ही चलता है तो कुत्ते भोंकते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। रिलायंस के साथ भागीदारी करेगी चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन कंपनी सीन, भारत में फिर उतरने को तैयार, खुदरा इकाई के क्षेत्र में मचाएगी तहलका। अब लग्जरी बसों पर लगेगा सालाना 9 लाख रुपए का टैक्स, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान। पहलवानों को सचिन पायलट का भी मिला साथ, जन संघर्ष यात्रा खत्म कर जंतर मंतर पहुंची राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगी डीके शिव कुमार की एंट्री, कांग्रेस ला रही कर्नाटक की तर्ज पर पेश सीएम पोस्टर कैंपेन का नया वर्जन। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान जारी, भाजपा को दिख रहा आपदा में अवसर। एप्पल के कर्मचारी नहीं कर सकेंगे एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल, कंपनी ने लगाया बैन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सचिन पायलट के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। मुंबई में 4 फ्लैट, महंगी घड़ियां और विदेश यात्रा, आर्यन खान को पकड़ने वाले समीर वानखेड़े की लग्जरी लाइफ का हुआ खुलासा। पंजाब में अवैध कब्ज धारकों को सीएम माने दिया अल्टीमेटम, कहा 31 मई तक छोड़ दे सरकारी जमीन वरना की जाएगी सख्त कार्रवाई। सीतारमे और डीके शिव कुमार फिर पहुंचे दिल्ली, मंत्रिमंडल को लेकर होगा मंथन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज। हमसे कोई गलती नहीं हुई, सरकार का काम है मंत्रिमंडल में फेरबदल करना, कानून मंत्रालय से हटाए जाने पर विपक्ष ने घेरा तो बोले किरेन रिजिजू। बॉलीवुड ड्रग्स व्यापार कांटा, आर्यन खान जैसे लोग रेव पार्टियों के ब्रांड एम्बेसडर समीर वानखेड़े की चेट से हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में तय हुआ कैबिनेट विस्तार का मुहूर्त, बच्चू कड़ू समेत कई नेता बन सकते हैं मंत्री। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रमोशन से बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिया संदेश, राजस्थान में एक चेहरे पर भरोसा नहीं कर रहा हाईकमान। अमेरिका G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंधों की करेगा घोषणा, कई कंपनियों को करेगा ब्लैकलिस्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम के साथ अकेला स्टोरी देखना चाहते हैं फिल्म मेकर विपुल शाह, हाथ जोड़कर किया ममता बनर्जी से आग्रह। पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आसियाना, उजाड़ फंसी आईएस टीनाडा भी, राजस्थान सरकार कर सकती है कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके एक क्षेत्र में घेरा, मुख्यमंत्री के परिवार पर लगाए कई गंभीर आरोप। केंद्र सरकार को आरबीआई से बड़ी उम्मीद, राजस्व बढ़ाने के लिए जारी हो सकता है 2 गुना डिविडेंड। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध कब्जे पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 388 मजार और 41 मंदिरों को किया जमींदोज। अखिलेश यादव को निकाय चुनाव में मुस्लिम मुद्दों से आंख मूंदने का भुगतना पड़ा, खामियाजा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किया दावा। भीषण गर्मी से छूटेंगे सभी के पसीने, असहनीय होगी सूर्य की तपिश, आने वाले 5 सालों में टूटेंगे रिकॉर्ड।